फ्रेंड्स, आगे हम जो करने जा रहे हैं एक जेई मेंस का 21 का क्वेश्चन आया हुआ है, बड़ा ही अच्छा लगा मेरे को क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, लेट दी लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस मेड बाय सर्कल दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस टू ए वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ए नेगेटिव है, बी 2√2 एंड 2√5 रिस्पेक्टिवली, देन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू ए टेंजेंट टू दिस सर्कल विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू। सो क्वेश्चन पहले समझ लीजिए, एक उसने सर्कल दिया हुआ है, सर्कल में उसने कहा है कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के ऊपर जो इंटरसेप्ट बना रहा है, इसका मतलब है सर्कल एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को कट कर रहा है। सो लेट अस से ये हमारा सर्कल है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को कट करते हुए ये जो लाइन है ये ओरिजिन से पास कर रही है, इसकी स्लोप नेगेटिव है। सो ये हमारी लाइन होगी एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, ये हमारा सर्कल हो गया। सर्कल पे जो x एक्सिस का इंटरसेप्ट है और जो y एक्सिस का इंटरसेप्ट है उसकी लाइन की लेंथ दी हुई है, हमें पता क्या करना है, देन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू ए टेंजेंट टू द सर्कल जो कि इस लाइन के परपेंडिकुलर हो। अब इस लाइन के परपेंडिकुलर सर्कल दो टेंजेंट हो सकते हैं, एक ये हो सकता है और एक ये हो सकता है। सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, यहाँ से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ओरिजिन का क्या होगा, दैट विल बी डेफिनेटली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक या यहाँ से लेके यहाँ तक, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। सो हमें ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है, हमें ये क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क है। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन समझ में आ गया, कोई सर्कल है जो एक्स इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है और ये जो है इंटरसेप्ट बना रहा है और इसके ऊपर जो टेंजेंट हो, इसके परपेंडिकुलर हो, उससे ओरिजिन जो हमारा है जीरो जीरो है ओरिजिन, वहाँ से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसकी हमें लेंथ फाइंड करनी है। ये चार चॉइसेस दी हुई हैं, मेंस 21 का क्वेश्चन है। सो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको इंटरसेप्ट के फॉर्मूला बताए थे, अगर हम सर्कल की इक्वेशन मान के चलते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस 2fy plus c is equal to 0, अगर हम दोनों को कंपैरिजन करें तो हमें पता चल जाएगा 2g is equal to a, this implies g is equal to a by 2 and 2f is equal to 2a, this implies f is equal to a। so सर्कल पे x इंटरसेप्ट की लेंथ कितनी है, that is 2√2 और x इंटरसेप्ट हमें पता है कितना होता है 2g square minus c। मैंने आपको इंटरसेप्ट की लेंथ आपको करवाई हुई है, आप मेरे इंटरसेप्ट वाले लेक्चर में आप देख सकते हैं इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट की लेंथ कितनी होगी, 2 स्क्वायर रूट ऑफ जी माइनस जी स्क्वायर माइनस सी, और इसकी लेंथ दी हुई है 2√2, दिस इंप्लाइज जी स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 2। ये जी स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू आ गई यहाँ से। अब अगर मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, जी स्क्वायर की जगह मैं ए जी स्क्वायर की जगह मैं पुट कर देता हूँ ए बाय टू, सो ए बाय टू का होल स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 2, दिस इंप्लाइज ए स्क्वायर माइनस 4c इज इक्वल टू 4 × 2 = 8। सिमिलरली जो वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट है 2f² माइनस सी, उसकी लेंथ दी हुई है हमें 2√5, 2√5 मीन्स f² माइनस सी इज इक्वल टू 5। f की वैल्यू मैं अगर a पुट कर देता हूँ, सो ए स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 5। अब ये दो इक्वेशन है फ्रेंड्स, ए स्क्वायर माइनस 4c इज इक्वल टू 8 एंड ए स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 5, इन दोनों को सॉल्व करके मैं a और c की वैल्यू निकाल सकता हूँ। कैसे निकालनी है आइए देखते हैं, ये दो इक्वेशन है, यहाँ से मैंने ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट करी 5 प्लस सी, ए स्क्वायर की वैल्यू होगी 5 प्लस सी माइनस 4c इज इक्वल टू 8, दिस इंप्लाइज 5 माइनस 3c इज इक्वल टू 8, दिस इंप्लाइज माइनस 3c इज इक्वल टू 3, 8 माइनस 5 दिस इंप्लाइज c इज इक्वल टू माइनस 1। सो c हमें पता चल गया माइनस 1 है, c अगर हमें पता चल गया माइनस 1, सो इस इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं a स्क्वायर इज इक्वल टू 5 प्लस c मीन्स 5 माइनस 1 मीन्स 4, इट मीन्स a इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। उसने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a नेगेटिव है, a नेगेटिव है, दिस मीन्स a इज इक्वल टू माइनस 2।
सो ए की वैल्यू में पता चल गई, ए की वैल्यू है माइनस टू, सो यहाँ से हम सेंटर ऑफ द सर्कल निकाल सकते हैं। जी की वैल्यू आ गई यहाँ से हमें, ए की वैल्यू है माइनस टू, सो जी की वैल्यू होगी हमारी माइनस टू बाई टू इज इक्वल टू माइनस वन, सो सेंटर ऑफ द सर्कल हो गया हमारा वन। एंड एफ की वैल्यू है ए, एंड ए की वैल्यू है हमारी माइनस टू, सो एफ हो गया हमारा माइनस टू, सो सेंटर ऑफ द सर्कल होता है माइनस जी माइनस एफ, सो सेंटर ऑफ द सर्कल हो गया हमारा वन एंड टू। एंड रेडियस ऑफ द सर्कल कितना हो गया हमारा, रेडियस ऑफ द सर्कल हो गया स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, माइनस सी, सी की वैल्यू है हमारी माइनस वन, सो माइनस माइनस प्लस हो गया, चार एक पाँच एक छः, सो स्क्वायर रूट ऑफ सिक्स जो है रेडियस ऑफ द सर्कल है। अब हमें इस सर्कल के पैरामीटर पता चल गए, सेंटर है इसका वन टू एंड रेडियस है इसका स्क्वायर रूट ऑफ सिक्स, ये हमें पैरामीटर पता चल गए। अब इस लाइन की इक्वेशन क्या है, इस लाइन की स्लोप क्या है, माइनस वन बाय टू, सो जो दो टेंजेंट होंगे इनकी स्लोप कितनी होगी, m इज इक्वल टू टू, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ से जो भी ये टेंजेंट की डेफिनेशन होती है, टेंजेंट की डेफिनेशन क्या होती है कि सर्कल के सेंटर से अगर उस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो उसकी लाइन की लेंथ कितनी होगी, r, जो कि रेडियस के बराबर होगी। अब हम इस फैक्टर को यूज़ करके हम आगे की इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, कैसे करनी है आइए करते हैं। मैंने ज्यूम की लेट अस सी, जो टेंजेंट की इक्वेशन है दैट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो हमारी सिंपल इक्वेशन होती है लाइन की, m की जगह मैं यूज़ कर रहा हूँ 2x प्लस सी, सो ये हमारा टेंजेंट हो गया। सो टेंजेंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली सेंटर ऑफ द सर्कल 1, 2 से अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करूँगा, मतलब 2 इंटू 1 माइनस वाई 2 प्लस सी, इसका मॉड ले लें, डिवाइड कर दें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए, 4 प्लस 1 एक्स के कोफिशियंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशियंट का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू रेडियस, रेडियस कितना है जी हमारा रूट सिक्स, सो दिस इम्प्लाइज 2 के साथ यहाँ 2 कैंसिल हो गया, दिस इम्प्लाइज सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 6 इंटू 5 30। सो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमें पता चल गई, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है हमारी 2x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 30। अब क्वेश्चन क्या कहा गया है, ओरिजन से टेंजेंट, जो ये वाला टेंजेंट होगा इसके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, सो 0, 0 से इसके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, 2 इंटू 0 माइनस वाई 0 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 30, इसका मॉड डिवाइडेड बाय x के कोफिशियंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशियंट का स्क्वायर 1, दिस इम्प्लाइज स्क्वायर रूट ऑफ 30 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5, दिस इम्प्लाइज स्क्वायर रूट ऑफ 6। सो ये जो लेंथ है ये वैल्यू कितनी आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ 6, सो ये हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 6 आंसर आ गया। सो फ्रेंड्स, बड़ा ही डिफ़िकल्ट दिखने वाला क्वेश्चन, क्योंकि हमें टेंजेंट की इक्वेशन नहीं पता थी, टेंजेंट की इक्वेशन निकालना ही मेन था, उसके लिए हमें सर्कल के पैरामीटर निकालने थे, सर्कल के पैरामीटर निकाल के हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है उसको आर के इक्वल करना था। सर्कल के पैरामीटर निकालने के लिए हमें दो चीज़ें उसने दी हुई हैं, 2√2, 2√5। एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट हमें पता है, एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट होता है हमारा 2 अंडर द रूट जी स्क्वायर माइनस सी, इसकी लेंथ होती है इतनी, और वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट होता है हमारा 2 अंडर द रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। दोनों से हमने ए की वैल्यू निकाल के, सी की वैल्यू निकाल के, दो वेरिएबल इसमें दिए हुए थे ए और सी, दोनों को हमने पुट कर दिया, हमें सर्कल के सेंटर की वैल्यू पता चल गई 1 एंड 2, रेडियस पता चल गया, और उसके बाद हमने सेंटर से इस इक्वेशन के, जो हम इक्वेशन पता चल गई, इक्वेशन पता चलने के बाद हमारा इजी था क्वेश्चन, उसके बाद हमने यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हमें निकालना था, देन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो ओरिजिन से अगर हम इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो उसकी लेंथ कितनी होगी, स्क्वायर रूट ऑफ 6 होगी, स्क्वायर रूट ऑफ 6 होगी। सो एक और क्वेश्चन जेई मेंस 2021 में जो आया हुआ, जो मुझे अच्छा लगा, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, आइए ट्राई करें। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेरे को बड़ा अच्छा लगा सॉल्व करते हुए, मैंने इसको 3-4 बार सॉल्व किया और मैंने इसका इजी वे एक फाइंड किया है, मैं आपको वो समझाता हूँ कैसे करना है। लेट ए बी सी डी बी स्क्वायर ऑफ साइड ऑफ यूनिट लेंथ, लेट ए सर्कल सी वन सेंटर एट ए विद यूनिट रेडियस इज ड्रॉन, अनदर सर्कल सी टू विच टच इज सी वन, एंड लाइन्स ए डी एंड ए बी आर टेंजेंट टू इट इज ऑल्सो ड्रॉन, लेट ए टेंजेंट लाइन फ्रॉम पॉइंट सी टू सर्कल सी टू मीट द लाइन ए बी एट ई इफ द लेंथ ऑफ ई बी इज एल्फा प्लस रूट थ्री इंटू बी।
देन अल्फा एंड बीटा आर इंटीजर्स, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू। सो सबसे पहले हमें क्वेश्चन का क्या करना है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन का एक डायग्राम तैयार करना है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी सी डी जो है हमारा एक स्क्वायर है जिसमें कि ए जो है लेट अस से 0 0 है और ये यूनिट रेडियस का है। सो बी क्या हो गया हमारा 1 0, सी क्या हो गया हमारा 1 1 एंड डी क्या हो गया हमारा 0 1। सो ये वाई एक्सिस हो गया लेट अस से, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस हो गया। यहाँ से इसको सेंटर मान के एक सर्कल बनाया गया है जिसको C1 का नाम दिया गया है और ये कुछ इस प्रकार का रफ डायग्राम है उस सर्कल का। लेट अस से दिस इज C1। इस सर्कल के अंदर एक C2 सर्कल ड्रॉ किया गया है। वो सर्कल कैसा है, वो सर्कल कुछ इस प्रकार का है जो कि ए बी को भी टच कर रहा है, ए डी को भी टच कर रहा है और इस सर्कल C1 को भी टच कर रहा है। तो तभी हो सकता है जब पहली बात हो C2 अंदर होगा, हालांकि उसने क्वेश्चन में ये क्लियर नहीं किया है। उसने कहा अनदर सर्कल C2 विच टचेस C1 एंड लाइन AD एंड AB आर टेंजेंट टू इट। सो कैसे पॉसिबल है अगर वो सर्कल इसके अंदर होगा। सो कुछ इस प्रकार का वो सर्कल C2 होगा, समथिंग लाइक दैट, जो दोनों लाइंस को AB एंड AD को टच कर रहा है और ये हमारा सर्कल C2 होगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट ए टेंजेंट लाइन फ्रॉम C2 जो C पॉइंट है, इस पॉइंट से एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है। किस प्रकार की टेंजेंट हो, लेट अस से दिस इज दिस पॉइंट C और यहाँ से इस सर्कल को एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है जो कि AB को E पॉइंट पे मिलेगी। मीट दी साइड AB एट E, देन लेंथ ऑफ EB की लेंथ हमें दी हुई है, EB की लेंथ है अल्फा प्लस रूट 3 इंटू बीटा। अल्फा एंड बीटा आर इंटीजर्स। अब हमें फाइंड क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा इज क्वेश्चन मार्क। सो फ्रेंड्स ये इसका रफ डायग्राम हो गया। अब मैंने आपको फ्रेंड्स समझाया हुआ है, तीन केस मैंने आपको समझाए हुए हैं सर्कल के, कि अगर सर्कल एक्स एंड वाई एक्सिस को टच कर रहा है, लेट अस से एक्स एंड वाई एक्सिस को टच कर रहा है, सो इसका जो एक्स एक्सिस होगा आर, वाई एक्सिस होगा आर। सो सर्कल का जो रेडियस है अगर आर, सो सर्कल के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, आर एंड आर। अगर सर्कल सिर्फ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है और इसका अगर सेंटर एच के है, सो इसका रेडियस कितना होगा, विल बी इक्वल टू इट्स वाई कोऑर्डिनेट के। अगर सर्कल सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, वाई को टच नहीं कर रहा है, तो इसका अगर सेंटर एच के है तो इसका रेडियस कितना होगा, विल बी इक्वल टू इट्स एक्स कोऑर्डिनेट। ये मैं तीन कंडीशन आपको पहले करवा चुका हूँ जस्ट आपकी रिविज़न करने के लिए। अब इस केस में सर्कल का जो सेंटर हो जाएगा, लेट अस रिमूव दिस फर्स्ट, धीरे धीरे करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका जो मैंने इजी तरीका फाइंड किया है मैं आपको वो समझा देता हूँ। इस सर्कल का सेंटर हो गया हमारा आर एंड आर। क्योंकि ये सर्कल C1 C2 के अंदर लाई कर रहा है, सो C1 C2 विल बी इक्वल टू R1 माइनस R2। क्योंकि ये सर्कल अंदर से टच कर रहा है C1 को, सो C1 C2 के बीच में जो डिस्टेंस होगा, दैट इज दिस डिस्टेंस, ये R है, ये R है। सो C1 C2 कितना हो गया हमारा, C1 C2 विल बी इक्वल टू रूट 2 इंटू R। ये रूट 2 इंटू R है, ये ओरिजिन है, एक्चुअली ये ओरिजिन है, रूट 2 इंटू R इज इक्वल टू R। R1 क्या है, बड़ा सर्कल, ये बड़े सर्कल का रेडियस कितना है हमारा 1, छोटा सर्कल है R, दिस इम्प्लाइज रूट 2 प्लस 1 इंटू R इज इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज R इज इक्वल टू 1 ओवर रूट 2 प्लस 1। इसको मैं रैशनलाइज कर लूँ, रूट 2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई, रूट 2 माइनस 1 से डिवाइड, यहाँ पे हो गया हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिनोमिनेटर में, दैट मीन्स 2 माइनस 1, यहाँ पे हो गया रूट 2 माइनस 1। सो R इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा, रूट 2 माइनस 1। सो ये फ्रेंड्स आपने याद रखना है, R की वैल्यू हमने निकाल ली है रूट 2 माइनस 1। आप कहेंगे रूट 2 माइनस 1 बड़ी अजीब सी वैल्यू आई है, मैं इसका सिग्निफिकेंस आपको बाद में समझाऊंगा जब मैं पहले CE की इक्वेशन फाइंड करता हूँ। CE की इक्वेशन क्या आएगी, CE की इक्वेशन अगर मैं फाइंड करूँ, सबसे पहले CE की इक्वेशन क्या होगी, लेट अस है E का पॉइंट है हमारा K0। सो EB की लेंथ हमारी कितनी होगी, EB की लेंथ होगी हमारी 1 माइनस K। हमें सिर्फ K फाइंड करना है क्योंकि x एक्सिस पे लाई कर रहा है, मैंने K0 मान लिया। सो CE की इक्वेशन क्या होगी, y माइनस 0 इज इक्वल टू इसकी स्लोप 1 माइनस 0 ओवर 1 माइनस K इंटू एक्स माइनस K। मैंने E पॉइंट से इसकी इक्वेशन निकाली है, इसको मैं सॉल्व कर लूँ, अगर y इंटू 1 माइनस K
इज इक्वल टू एक्स माइनस के, दिस इम्प्लाइज एक्स माइनस वाई इन टू वन माइनस के इज इक्वल टू के। ये हमारी इक्वेशन आ गई सी ई की। अब ये सी ई है वो इस सर्कल का टेंजेंट है, इसका मतलब यहाँ से जो आर आर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, आर आर से जो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसकी लेंथ कितनी होगी, विल बी इक्वल टू रेडियस, जो कि हमारी टेंजेंट की स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। अब हम इसको यूज़ कर लेते हैं, इसको यूज़ करेंगे, आइए इसको यूज़ कर लेते हैं एक एक करके। सो फ्रेंड्स, ये हमारी इक्वेशन आ गई एक्स इंटू वाई इंटू वन माइनस के इज इक्वल टू के। अब यहाँ से हमने क्या करना है, सर्कल के सेंटर से, सर्कल का सेंटर है आर आर से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन का कितना होगा, मॉड आर माइनस आर इंटू वन माइनस माइनस के, आर इंटू वन माइनस के माइनस के मॉडुलस डिवाइडेड बाय एक्स के कोफिशियंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशियंट का स्क्वायर वन माइनस के होल स्क्वायर, एंड इसकी वैल्यू कितनी होगी, आर इज इक्वल टू रेडियस आर। इसको हम सिंप्लीफाई कर लें, सो यहाँ पे आर इंटू आर माइनस ये वन कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा हमारा आर इंटू के माइनस के मॉड डिवाइडेड बाय, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसका हो जाएगा के स्क्वायर माइनस टू के, यहाँ पे आएगा प्लस वन, प्लस वन टू हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू आर। सो फ्रेंड्स, आई होप यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए, यहाँ तक बड़ा इजी सिंपल मैथमेटिक्स चल रहा है। अब हम दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा हमारा के कॉमन आ गया, के स्क्वायर इंटू आर माइनस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इस साइड स्क्वायर करेंगे आर स्क्वायर इंटू के स्क्वायर माइनस टू के प्लस टू। इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा के स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर माइनस टू आर प्लस वन इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू के स्क्वायर माइनस टू के प्लस टू। इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आ जाएगा के स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस टू आर के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस टू के आर स्क्वायर प्लस टू आर स्क्वायर। सो यहाँ से के स्क्वायर एंड आर स्क्वायर कॉमन टर्म है, दोनों साइड पे कैंसिल हो जाएगी। इस इक्वेशन में हम देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखेंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पे हमारा के स्क्वायर इस साइड कॉमन है, यहाँ पे आ गया हमारा के स्क्वायर कॉमन, यहाँ पे आ गया इंटू वन माइनस टू आर इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा टू आर स्क्वायर कॉमन है, टू आर स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ पे हमारा आ गया वन माइनस के। सो ये बड़ा ध्यान देने वाली बात है, टू आर स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ पे हमारा आ गया वन माइनस के। अब फ्रेंड्स, अब आपका क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, आर की वैल्यू अगर मैं इसमें पुट कर देता हूँ तो आप देखेंगे आर की वैल्यू इतनी अजीब सी क्यों आई, इरेशनल नंबर रूट टू माइनस वन क्यों आया इसका, मैं इसका रीज़न समझाता हूँ। आर स्क्वायर कितना हो जाएगा इस केस में, आर स्क्वायर विल बी टू प्लस वन माइनस टू रूट टू, दैट इज इक्वल टू थ्री माइनस टू रूट टू, ये हमारा हो गया आर स्क्वायर। इसका मतलब है वन माइनस टू आर कितना हो जाएगा, वन माइनस टू आर हो गया वन माइनस टू इंटू आर, इसको मैं सॉल्व करूँगा वन माइनस टू रूट टू प्लस टू, दिस इज इक्वल टू थ्री माइनस टू रूट टू। सो फ्रेंड्स, इसलिए ये आप देखेंगे आर स्क्वायर एंड वन माइनस टू आर की वैल्यू सेम है, इसलिए आप इस इक्वेशन को यहाँ पे बड़ा इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कई स्टूडेंट इसमें क्या करते हैं, वो इसको के में क्वाड्रेटिक बना लेते हैं, और के में क्वाड्रेटिक बनाने के बाद आर स्क्वायर की वैल्यू कहते हैं एंड में पुट करेंगे, वो बड़ा लंबा मेथड हो जाता है, मैंने वो भी ट्राई करके देखा है, ये बड़ा इजी मेथड है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे आप के स्क्वायर एंड वन माइनस टू आर एंड आर स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों टर्म्स कैंसिल होगी, यहाँ पे हमारा आ जाएगा के स्क्वायर इज इक्वल टू टू इंटू वन माइनस के। ये बड़ा इजी इक्वेशन है, के में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ से मैं के की वैल्यू निकाल सकता हूँ, के स्क्वायर माइनस प्लस टू के एंड यहाँ पे माइनस टू हो जाएगा इज इक्वल टू ज़ीरो, दिस इम्प्लाइज के इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी मीन्स फोर इंटू टू एट अपॉन टू ए, ए हमारा वन है,
दिस इम्प्लाइज यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस टू प्लस माइनस टू रूट थ्री अपॉन टू. सो यहाँ पे आ गया हमारा k इज इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस यहाँ से हमारा k की वैल्यू कितनी आ गई, k इज इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस रूट थ्री. सो फ्रेंड्स ये हमारे k की वैल्यू आ गई. सिंस k पॉजिटिव x एक्सिस पे लाई कर रहा है, k हमेशा पॉजिटिव है, सो k की वैल्यू मैं कौन सी ले लेता हूँ, मैं इनमें से पॉजिटिव वैल्यू ले लेता हूँ, दैट इज इक्वल टू रूट थ्री माइनस वन. सो k की वैल्यू हमें पता चल गई फ्रेंड्स. इसके बाद हमारा कुछ बचा ही नहीं काम, इसके बाद काम बहुत ही ईजी है, इसके बाद हमने कुछ खास नहीं करना है. सो फ्रेंड्स इसके बाद हमें ई बी की वैल्यू पता है, ई बी इज इक्वल टू वन माइनस के, वन माइनस के की वैल्यू है हमारी रूट थ्री माइनस वन, एंड यहाँ पे आ गया हमारा वन माइनस रूट थ्री प्लस वन, दिस इम्प्लाइज टू माइनस रूट थ्री, एंड के की वैल्यू दी कितनी हुई है हमें, के की वैल्यू दिया हुआ है हमें अल्फा प्लस रूट थ्री इंटू बीटा, अल्फा एंड बीटा आर इंटीजर्स उसने बोला हुआ है, इसका मतलब है अल्फा की वैल्यू है टू एंड बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस वन. सो ये हमारा आंसर आ गया. सो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टू माइनस वन इज इक्वल टू वन. सो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू में आंसर आना था, सो आंसर इज वन, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू वन. सो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इस क्वेश्चन का क्या था, कि आपने जो r की वैल्यू है r इज इक्वल टू रूट टू माइनस वन, उसको यूज़ कहाँ करना है, आपने देखना है r स्क्वायर एंड 1 माइनस टू आर जो है वो इक्वल है. आपको बिना इसकी वैल्यू r की वैल्यू एंड तक लेके जाएं या पुट करें, आपकी उसमें k की इक्वेशन क्वाड्रेटिक बहुत टाइम लगेगा सॉल्व करने में. इजी मेथड ये है कि हमने इसमें k में एक इक्वेशन बनाई जो कि क्वाड्रेटिक थी, बड़ी सिंपल इक्वेशन थी, वहाँ से हमने जो है k की वैल्यू निकाली. k की वैल्यू हमें बड़ी ईजीली आ गई, रूट थ्री माइनस वन. रूट थ्री माइनस वन मीन्स ई बी की लेंथ है, ई बी की लेंथ 1 माइनस के है, 1 माइनस के में हमने वैल्यू पुट करी, इसको ई बी से इक्वेट किया और यहाँ से हमें अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई. यहाँ से हमने अल्फा बीटा की वैल्यू को अल्फा प्लस बीटा में पुट कर दिया. सो एक डिफ़िकल्ट दिखने वाला क्वेश्चन जो जेई मेंस में आया हुआ है, ये कायदे से एडवांस में भी आ सकता था क्योंकि क्वेश्चन में घुमाव काफ़ी है, ऐसे घुमावदार क्वेश्चन जनरली मेंस में की बजाय एडवांस में पूछे जाते हैं. सो मेरे को अच्छा लगा क्वेश्चन फ्रेंड्स. सो आप सर्कल के ढेरों क्वेश्चन ट्राई करें, मैं भी कोशिश करूंगा सर्कल के और क्वेश्चन ला पाऊँ. हालाँकि सर्कल मेरा बहुत ही लंबा खिंच गया टॉपिक, मैं पैराबोला पे जाना चाह रहा हूँ ताकि मैं अगला कॉनिक सेक्शन ले पाऊँ. फिर भी मैं कोशिश करूँगा एक या दो लेक्चर मैं सर्कल के ऊपर और डिवोट कर पाऊँ. तो फ्रेंड्स आप चैनल के साथ बने रहिए. बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार. जय हिंद.